अब तक आपने देखा विशेष कंचन से 12 घंटे का वक्त मांगता है। कंचन को ये एहसास दिलाना है कि शीतल के लिए अमित नहीं जग्गी सही लड़का है। मेहंदी की रस्म में शीतल को जग्गी के साथ खुश देख कंचन को इसका पहला इशारा भी मिल जाता है। उसके बाद कंचन जब छत पर ताऊजी की बातें सुनती है तो उसे एहसास होता है कि वो भी शीतल के लिए अमित जैसा नहीं जग्गी जैसा लड़का ही चाहते हैं, जो अपनी परवाह किए बिना शीतल के लिए मर मिटे। विशेष कंचन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और कंचन वहीं पास ही बज रही डुगडुगी की आवाज से कांप उठती है। जैसे ही विशेष कंचन को पुकार कर उसे छूता है, कंचन गुस्से में विशेष को थप्पड़ मार देती है। क्या विशेष कंचन के इस दर्द का राज जान पाएगा? जानने के लिए देखिए आगे। अनन्या बिटिया के ससुराल वाले आ गए। चलिए हम आते हैं। माँ कैसी हैं? अच्छे हैं। जीत रही है। आपका स्वागत है सौरभ जी। राधे राधे। राधे राधे। आइए जी। थैंक यू। आपको ये सब जहमत उठाने की क्या जरूरत थी? इसे जहमत नहीं, सौभाग्य कहते हैं। वैसे तो आपको अनन्या ने सब कुछ बता ही दिया होगा। हम अपनी ममेरी बहन शिवांगी का रिश्ता आपके बेटे के लिए लाए हैं। शिवांगी, कहने के लिए ममेरी बहन है मगर सगी बहन से कहीं ज्यादा है। पूरी दुनिया घूम चुकी है मगर आज भी जब भी मिलती है तो नजर झुकाकर बात करती है। हम चाहते हैं कि आप शिवांगी को वैसे ही अपनाएं जैसे हमने आपकी बेटी को अपनाया है। बहू नहीं, बेटी की तरह रखा है हमने अनन्या को। लड़की वाकई ही बहुत प्यारी है और रिश्ता आप लेकर आए यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बस एक बार विशेष वापस लौट आए, शिवांगी से मिल ले, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। बावर्ची, अच्छा तूने फूफा जी को खाना खिलाया ना? अरे हाँ बिल्कुल, सबसे पहले उन्हीं से पूछा था मैंने, वरना आपको पता तो है। और वो कहाँ है? कौन कहाँ है? वही तेरा फेवरेट बावर्ची। अच्छा वो पता नहीं, मैंने सुबह से ही नहीं देखा उसको, यहीं कहीं होगा। ये लो, ये रहा।
राजमाता जी, आज हम यहाँ सिर्फ रिश्ता लेकर नहीं आए हैं, बल्कि रिश्ते से आगे की बात करने आए हैं। शिवांगी 4 दिन बाद अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए सिंगापुर जा रही है। अब जब दोनों परिवारों को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो हमें लगता है कि फिर देर किस बात की। कम से कम शिवांगी के सिंगापुर जाने से पहले हम दोनों का रोका क्यों ना कर दें। सौरभ जी, आपकी हर बात सर माथे, लेकिन विशेष से मिले बगैर आप समझ रहे हैं ना, हम जानते हैं विशेष को थोड़ा वक्त लगेगा आने में, लेकिन मम्मी जी, अनन्या ने बताया था और इस बात का हल भी हम साथ लाए हैं। भाई साहब देखिए, विशेष आपको बहुत मानता है। अगर आपको शिवांगी पसंद है तो हमें पूरा विश्वास है कि विशेष को भी शिवांगी पसंद आएगी, और अगर विशेष किसी वजह से नहीं आ सकता है तो हम उसकी तलवार के साथ रोका करने के लिए तैयार हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, हम नहीं चाहते कि आप किसी भी दबाव में यह फैसला लें। आप चाहें तो आज रात तक का वक्त ले सकती हैं। भाई साहब, माँ आपकी बात कभी नहीं टालेगी। हम तो है ही ना, हम माँ को मना लेंगे। नहीं अनन्या, सवाल दो जिंदगियों का है, और जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने का हक या तो विशेष को है और या फिर उनकी माताजी को, वो भी बिना किसी दबाव के। सुनो, मैं वो प्याज दीजिए ना वहां से। मैं कहना कहां रख दिया मैंने। हाँ ये दीजिए ना। थैंक यू। मेरी बात सुनो ना प्लीज। सुनता हूँ ना कंचन जी, ये प्याज एक बार पक जाए वो क्या है ना, आज आपके घर वालों के लिए मैं थोड़ा तीखा खाना बना रहा हूँ। कभी कभी खाते हैं ना वो लोग। नहीं नहीं, ताऊ जी बिल्कुल तीखा नहीं खाते, उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है। अच्छा, तो नहीं बनाएंगे? नहीं, वो मैं आपसे माफी मांगने आई। जरूरत नहीं है, मैं आपसे नाराज नहीं हूं कंचन जी, आप खुद ही काफी हैं अपने आप से नाराज होने के लिए। और वही नाराजगी कई बार गुस्सा बनकर बाहर निकल जाती है। आपको पता है पानी कब अच्छा लगता है? जब प्याली को ना पूरा भर दिया जाए, लेकिन अगर उसी प्याली को थोड़ा सा खाली कर दिया जाए तो वो नहीं छलकेगा। अपनी उलझने बांट लीजिए कंचन जी, खाली कर दीजिए अपने मन का बोझ, बहुत हल्का महसूस करेंगे आप। देखो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा
कि ऐसा कुछ नहीं है। एनीवेज आई एम सॉरी। तुम्हें मेरे अंदर झांकने से बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें तुम्हारे ही तरीके से जवाब देना होगा। इजाजत दीजिए। माँ आप जल्दी से बता देना, जेठ जी बड़े मन से ये रिश्ता लेकर आए हैं। हमारी नाक नहीं कटवाना, हमने तो बड़े शान से कहा है कि मायके में ना हमारी बात कोई नहीं टालता। चलते हैं। भाभी आज ही जवाब दे देते ना, ऐसा भी क्या सोचना, बराबरी का रिश्ता है, लड़की भी कितनी अच्छी है। मेरा मतलब ये भी सही है कि विशेष बेटे की मर्जी जाननी जरूरी है। हर बात में बोलना जरूरी है, उन पर भी छोड़ दो ना कुछ। छोड़ ही रखा है सब कुछ, राजमहल भी, फैसले भी और हम भी। और सुनिए जी, आप अपनी राय ना अपने तक ही रखिए। और तुम भी। आंधे भाई जानू, मैं कर रहा हूं। गेट के अंदर घुसेड़ दूं क्या? चल अब सामान उतरवा। जी मोंटी, शॉन्टी से बात। ताऊ जी चक्रिया। क्या हो गया? अरे पता नहीं क्या बताओ जी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अरे अभी तो आई थी चल के। क्या हुआ ताऊ जी? अरे गाड़ी खराब हो गई, अभी अच्छी भली चल के आई थी। सर अब पता तो चले कि जनाब मैकेनिक है कि ये भी। ताऊ जी इसको मैकेनिक का काम करना आता है। पूछिए इससे, यही कहा था ना तुमने। ये तो अच्छा है, देख ले। अरे गाड़ी देख लो। हाँ देख लो। नहीं मुझे थोड़ी ना आता, तू जाके देख। अरे क्या सोच रहे हो? हाँ 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 देखता हूँ। क्या मैं ये लड़की ना, इसने तो फंसा दिया मुझे, सारी पोल खोलने के चक्कर में मेरी। लो भाई साहब पाना। लो इंजन खोल दिया भाई साहब। इंजन क्या हुआ? गला सूख रहा है, पानी लाऊं?
दूसरों के अंदर झांकने से पहले ना खुद के अंदर झांकना सीख लो। मैकेनिक तो तुम हो नहीं, वो तो पता लगता है। कौन हो तुम, क्या असलियत है तुम्हारी? संपन्न है भाई, हैं? लड़की होता तो तेरे को बहू बना लेता। दादी, मैं भी बन जाता। चलो 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 चलो, और भी काम है, चलो। तुक्का लग गया, अब फिर मेरी जान के पीछे पड़ेगा। इसकी कुंडली निकलवानी पड़ेगी, तभी होगी इसकी बोलती बंद। तो बाल बाल बच गए, लेकिन अगर कंचन जी ने अपनी खोज इसी तरह जारी रखी तो फिर मिल चुके जग्गी को शीतल भाभी, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या हुआ शीतल दी? चल तू। देखिए कंचन जी, फिलहाल आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उस पर ब्रेक लगाइए और इन दोनों के बारे में सोचिए। देखिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैंने कहा था कि मैं तुम लोगों के खिलाफ नहीं, लेकिन लेकिन मैं तुम लोगों के साथ भी नहीं, क्योंकि यहां बात ताऊ जी की इज्जत और उनकी जिंदगी की। और शीतल की जिंदगी, उसका क्या? शीतल दी की जिंदगी, उनकी खुशियां बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब अभी बहुत देर हो चुकी है। कंचन जी, अपनी सोच को उलझाइए मत, अपने दिल के सुनिए। हमारा दिमाग कभी कभी हमें वो देखने पर मजबूर कर देता है जो जो दुनिया की सोच से बंधा है, लेकिन हमारा दिल वही करता है जो सच्चा और अच्छा होता है। आप और आपके ताऊ जी दोनों शीतल की खुशी तो चाहते हो, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो भी तुम करने वाले हो उनसे इन दोनों के रिश्ते को स्वीकृति मिल जाएगी? गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं, लेकिन एक उम्मीद तो है, और उम्मीद अपनी किस्मत अपने साथ लेकर आती है। हम सब लोग मिलकर देखते हैं ना कि क्या होता है। देखो, जैसा मैंने कहा था कि मैं सही तरीके से ताऊ जी को इन दोनों की शादी के लिए मनाने से नहीं रोकूंगी, कोई रोड़ा नहीं अटकाऊंगी, लेकिन मैं किसी भी प्लान का हिस्सा नहीं बनूंगी। जो करना है तुम लोग करो, लेकिन हाँ, मैं भगवान से प्रार्थना जरूर करूंगी कि शीतल दी को उनका प्यार मिले, वो भी सही तरीके से। आप इतना करें वो भी हमारे लिए काफी। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है। आसानी हो जाए प्यार तो उसकी कीमत कौन करेगा। एक कोशिश तो बनती है ना कंचन जी, वरना जिंदगी भर ये अफसोस रहेगा कि हमने कोशिश नहीं की। तो अफसोस से बेहतर तो कोशिश है ना। बातों से ताज में नहीं लाओगे? अभी आप मुझे जानती का है। वही तो, मैं अभी तक तुम्हें जान ही नहीं पाई।
एक बात याद रखना कि मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी, हर वक्त। वादा? अच्छा है कंचन जी, कुछ आप छुपाए बैठे हैं, कुछ हम छुपाए बैठे हैं। इस शादी में ना बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले, बड़ा मजा आएगा। लेकिन देखना यह है कि हमारे राज हमें कहां तक लेकर जाते। बड़ा मजा आएगा जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप, मैं।